वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसा ही किया है बागेश्वर सरकार, जो कि धीरेंद्र शास्त्री, जो बागेश्वर सरकार के नाम से प्रसिद्ध है और चमत्कार दिखाने की बात करता है। उसने अपने साथ साथ इस बार नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी फंसा दिया है बहुत बुरे चक्कर में। ये चक्कर ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में नागपुर में रेशिम बाग, जो कि रेशिम बाग सभी जानते हैं कि यहीं से सब कुछ संचालित होता है, आरएसएस का तमाम ये जो मामला है, जो भी बात है, यहीं से बाहर जाती है, यहीं से तय होता है कि कब कहाँ पर गणेश जी दूध पिएंगे या किस जगह से कहाँ से दूध निकलेगा, बहुत सारी बातें यहीं से तय होती है। तमाम चमत्कारिक घटनाएं जो देश भर में होती हैं और यहीं से वो सारी जो योजनाएं हैं बनती हैं और यहीं से आदेश जारी होते हैं। तो यहाँ पर जनवरी में, इसी माह में 5 से 13 जनवरी तक के रामकथा प्रवचन के नाम से ये चमत्कार का पंडाल लगाकर बैठा धीरेन्द्र शास्त्री, और इसके बाद जो हुआ बहुत ही गजब का हुआ। लेकिन महाराष्ट्र के एक कानून में ये व्यक्ति फंस गया, धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको आप सभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर सरकार, तमाम नामों से जानते हैं। एक बहुत ही कम उम्र, 27-28 साल का ये मध्य प्रदेश का एक युवक है, जो कि बड़े बड़ों को अपने सामने शीश झुकाने को मजबूर कर देता है अपने चमत्कार के दम पर। चमत्कार कहता है कि वो चमत्कार करता है, वो सबको जान जाता है, तो इस प्रकार के चमत्कार के नाम से लोग उसके पास जाते हैं और वो राम कथा सुनाता है, लेकिन राम कथा के नाम पर वो चमत्कार की जो दावा करता है और चमत्कार के लिए बड़े बड़े पंडाल लगाकर वहाँ पे लोगों को बुलाता है। तो ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में जब ये हुआ, इसका पता चला महाराष्ट्र के उस कानून के रखवालों को, जो कानून अंधश्रद्धा यानी कि इस प्रकार के जो चमत्कार आदि, जो टूना टोटका, तमाम जो चीज़ें होती है, इस प्रकार के जो अंधश्रद्धा होती है, जो अंधविश्वास होते हैं, उसके खिलाफ एक महाराष्ट्र में एक कानून बना हुआ है। और इस कानून के चलते यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो ढोंगी बाबाओं को पकड़ा गया है और उनको अंदर किया गया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी मुश्किल ये बात यह हुई कि यहाँ पर ये आयोजन हुआ रेशम बाग में, और वहाँ पर पहुँचे बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता भी पहुँचे। नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानामध्ये धीरेंद्र कृष्ण महाराजांचं प्रवचन होतं, त्यामध्ये ते रामकथा सांगणार होते असं आधी कळलं। त्यानंतर कळलं की दिव्य दरबार ते आयोजित करणार आहे। हा कार्यक्रम 5 जानेवारी ते 13 जानेवारीपर्यंत चालणार होता। दिव्य दरबारासंबंधीचे त्यांचे व्हिडिओ सगळ्या यूट्यूबवर उपलब्ध आहेत। अनेकांनी लक्षात आणून दिलं की हा महाराज चमत्कारांपासून अनेक गोष्टींचे दावे करतात आणि आपण यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे। तेव्हा माझ्या संपूर्ण टीमने या व्हिडिओंचा अतिशय सखोल अभ्यास केला, 40-50 व्हिडिओज पाहिले आणि त्यामध्ये ठिकठिकाणी कायद्याचं उल्लंघन होतं आहे, विशेषत्वानं जादूटोणा विरोधी कायदा आणि त्यासोबतच केंद्राचा ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट 1954 यांचं उल्लंघन होत आहे असं लक्षात आल्यानंतर त्या पद्धतीची तक्रार सुरुवातीला 8 जानेवारीला मी स्वतः दक्षता अधिकारी जे नागपूरचे आहेत, समन्वयक आहेत, SCP क्राईम रोशन पंडित यांच्याकडे दिली, लेखी स्वरूपात दिली, पण ती अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून नव्हती, तर महाराष्ट्र शासनाची जादूटोणा विरोधी कायदा संमत झाल्यानंतर एक समिती गठीत झालेली आहे, त्याला जादूटोणा विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावणी समिती असं म्हणतात। त्याचा मी सहअध्यक्ष आहे, अध्यक्ष त्याचे सामाजिक न्यायमंत्री असतात, उपाध्यक्ष त्याचे राज्यमंत्री असतात या विभागाचे, त्या कमिटीच्या मार्फत ही कंप्लेंट केली। उमा भारती के भाई प्रीतम लोधी की वजह से ये चर्चा में आए थे और उनके और इनके यानी कि बागेश्वर सरकार के बीच में बड़ा विवाद चला था। उन्होंने इन्हें इस प्रकार के एक तरह से ढोंगी बाबा कह दिया था और उसके बाद ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो यहीं से ये चर्चा में आए और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग इनको देखते रहते हैं। इनकी योग्यता सिर्फ इतनी है कि ये ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, पंडित घर में पैदा हुए हैं और चमत्कारों के नाम पर लोगों को इस तरह से इकट्ठा करते हैं।
तो महाराष्ट्र में भी इन्होंने ये काम किया। इसके खिलाफ जब शिकायत की गई, जो इस कानून के तहत, जो कि महाराष्ट्र का कानून ये कहता है कि इस प्रकार के चमत्कार के नाम पे कोई इकट्ठा किसी को नहीं कर सकता, लोगों के सामने चमत्कार इस तरह से नहीं दिखाया जा सकता, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ ये कानून काम करेगा, और सिर्फ ना सिर्फ उसके खिलाफ बल्कि जो आयोजक है, आयोजक समिति के खिलाफ भी, अगर इस प्रकार के आयोजन सार्वजनिक रूप से होते हैं तो उसके खिलाफ भी ये कानून काम करेगा, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और तमाम उस कार्यक्रम में शामिल लोगों को भी। लेकिन यहाँ पर शिकायत के बाद भी ये कानून अमल में नहीं लाया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा असते, केवल कार्रवाईचीच नाही तर प्रतिबंधित करण्याची अपेक्षा असते, त्याबद्दलचे स्पष्ट निर्देश आणि आदेश कायद्यामध्ये आहेत, असं असताना सुद्धा अजून गुन्हा दाखल झालेला नाही। या कायद्यानुसार केवळ संबंधित गुन्हेगारावर खटला दाखल होत नाही किंवा गुन्हा दाखल होत नाही, तर त्यामध्ये जेवढे जेवढे सहाय्यभूत लोक आहेत, आयोजक आहेत, त्याचा प्रचार प्रसार करणारे आहेत, त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होतो। त्यामुळे आयोजकांवरही ही कारवाई अपरिहार्यपणे या कायद्यानुसार, विशेषत्वाने जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार होते आहे, ती व्हावी अशी अपेक्षा आहे। तो फिर कार्रवाई होती भी कैसे, क्योंकि संया भय कोतवाल तो डर काहे का, और ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि इस कार्यक्रम में तो खुद नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री है, वो भी शामिल हो चुके हैं, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आए यहाँ पर इस दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। तो फिर इन पर कार्रवाई करना इतना आसान तो नहीं था पुलिस के लिए। फिर भी ACP को ये शिकायत की गई लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका क्या कारण है आप ये समझ सकते हैं कि जबकि ये कानून इतना तगड़ा है कि इस कानून के तहत उस जगह पे अगर उसने ये चमत्कार जैसी घटनाओं और इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर कोई दावा करता है और इस प्रकार का कार्यक्रम होता है और वो भी भगवान की कथा सुनाने के नाम पर अगर ये होता है तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इसको तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ उस व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उस कार्यक्रम में शामिल तमाम लोगों को और उसके आयोजक को भी इस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। उसके खिलाफ भी ये कानून जो है वो काम करता है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन क्या धीरेंद्र शास्त्री गिरफ्तार होंगे? लेकिन क्या उसमें शामिल ये बड़े बड़े नेता मंत्रियों पर कोई बात, कोई भी आँच इस कानून की आएगी? या कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस कानून के खिलाफ ही अब ये सरकार काम करने लगे? हो सके तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से RTI कानून या फिर जो SC ST एक्ट है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई, कहीं ये सरकार इस अंधश्रद्धा उन्मूलन के इस कानून के खिलाफ भी कहीं इसको भी कमज़ोर करने की कार्रवाई ना शुरू कर दे। अब ये शंका जाहिर की जा रही है क्योंकि अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई ज़रूर नहीं हुई लेकिन धीरेंद्र शास्त्री इस कानून के डर से अपने तय कार्यक्रम को एक दिन पहले ही ख़त्म करके बोरिया बिस्तर बांधकर धीरेंद्र शास्त्री अब यहाँ से निकल लिए हैं, भाग लिए हैं और यहाँ से वो चले गए हैं। मतलब यानी कि अब वो उन्होंने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया अचानक और निकल गए। लेकिन सिर्फ ये कानून का मसला ही नहीं था धीरेंद्र शास्त्री के भागने का, एक और वजह है। एक और वजह से धीरेंद्र शास्त्री बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल लिए, भाग गए। सिर्फ यही कारण नहीं था, ये कारण एक और भी है, अगले एपिसोड में बताते हैं। देखिए,